अब ऐसे करते हैं, ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे करते हैं। एक रिएक्शन हमने देखी थी कि जब हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम क्या कर रहे थे कि NH3 को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे थे और हमें मिल रहा था NH4Cl, NH4Cl हमें मिल रहा था। सो अब इसी रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे बनाएंगे। इस कंडीशन में जब हम ऐसे परफॉर्म करें तो अमोनिया हमें लेना है 2 ग्राम और HCl हमें लेना है 50 ml, और ये हमें प्रिपेयर करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर हमने 2 ग्राम NH3 अमोनिया लिया, प्लस में उसको डिसॉल्व कर दिया 50 ml वाटर HCl के अंदर, 50 ml HCl लिया, उसके अंदर 2 ग्राम NH3 डाल दिया। नाउ हमारा बन गया NH4Cl हमारा बन गया, अमोनियम क्लोराइड हमारा बन गया। नाउ इस अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अब हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ इस साइड में कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पर बना लेते हैं, हम कॉनिकल फ्लास्क ये यहाँ पर हम ब्योरेट बना लेते हैं, ब्योरेट अरे भाई ये समझ लीजिए ब्योरेट, यहाँ अच्छी नहीं आ रही है ड्राइंग, ब्योरेट मान लीजिए। यहाँ पर ब्योरेट जो है वो अपने ब्योरेट स्टैंड से अटैच्ड है, यहाँ पर इसका रखने वाला, ठीक है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ये प्रिपरेशन को पोर कर दिया और इसके अंदर ब्योरेट के अंदर हम लेंगे 1 NHCl लेंगे। इसको हम प्रिपेयर करेंगे एक ग्रेजुएटेड या हम कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम प्रिपेयर करके इसको रखेंगे, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। ये सारी जो कंटेनर्स हैं ना वो हमारे ऐसे के अंदर यूज़ होते हैं। नाउ इसके अंदर हमने 1 NHCl बनाया, नाउ पोर कर दिया हमने ब्योरेट के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ले रखा है NH4Cl कितना 52 और टोटल जो है वो हमारी क्वांटिटी है 52 ml टोटल क्वांटिटी है। नाउ इसके बाद हम इसके अंदर मिथाइल रेड यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर, मिथाइल रेड एज इंडिकेटर यूज़ होगा। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऊपर से क्या डालेंगे इसके अंदर HCl डालेंगे। क्यों हमने ऐसा लिया, क्योंकि ये जो है ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा बेस है, बेस तो बेस का जो टाइट्रेशन होता है वो तो एसिड से होता है। हमने जो पहले दो ऐसे पढ़े हैं बोरिक एसिड और HCl का, तो बोरिक एसिड और HCl कॉनिकल फ्लास्क में आता है तो वो दोनों के दोनों एसिड है, इसीलिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था ब्योरेट के अंदर, क्योंकि हमें बेस से रिएक्शन कराना था। पर यहाँ पर उल्टा होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि एनालाइट की तरह यूज़ होता है और टाइट्रेंड में हम HCl का यूज़ करते हैं। सो अब होगा क्या कि मिथाइल रेड हमने डाला और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऊपर से HCl डाल रहे हैं। नाउ उसमें कलर चेंज होगा और हमें कलर मिलेगा रेड कलर, क्योंकि मिथाइल रेड जो है सबसे पहले